अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और मैं आया हूँ आज बहुत ख़ास जगह, मतलब जिना पार्क आया हूँ मैं, और कायद आज़म के मज़ार, द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लेजेंड्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या है, और बहुत चेंज हो गया अब, तो देखते हैं कैसा बन गया। कायद आज़म का मज़ार, और बस अब अंदर जाने की तैयारी है, देखते हैं म्यूज़ियम में और क्या क्या है। ऊपर तो आपने देख ही लिया कि मज़ार कायद कैसा बना हुआ है। यहाँ पर रश देखें, अच्छा रश भी बहुत है, मतलब लोग भी बहुत आते हैं ना, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ बहुत आते हैं। यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल चाइनीज़ वगैरह भी आए हुए हैं। अभी लेटर्स बने तो आपको पता है कराची में कुछ लेटर्स बने और लोग ना आए तो ये पॉसिबल है नहीं। आओ बेटे चलो अंदर। लेजेंड हैं वो पाकिस्तान के, और वो हमेशा रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को बनाया और आज़ाद करवाया, और बड़ी मेहनत की उन्होंने, और उनका मज़ार भी अभी रिफर्निश हुआ है पूरा, तो बहुत अच्छा बना दिया है। और हम जैसे लोगों को ख़राब करने के लिए दे दिया। और एक यहाँ एक मसला मैंने देखा है कि यहाँ पे ना डेट पॉइंट बहुत ही है, मतलब यहाँ डेट वाले लोग बहुत आते हैं, और लड़का लड़की ना, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ अगर निकाह खा को पकड़ के ले आए ना, तो 50-60 तो शादियाँ हो ही जाएंगी यहाँ लगे।